कोई इतना बेहिस, इतना जालिम कैसे हो सकता है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं उसको उसके किए की सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी। मिलेगी, हम दिलवाएंगे इसे सजा, लेकिन इसके लिए हमें कोई प्लान चाहिए। कैसा प्लान? अमी, आलियान का केस तो भी मौजूद है ना, इनकाउंटर करने से केस क्लोज हो जाता है। नहीं, इतनी आसानी से तो नहीं। तो ठीक है, फिर हम लड़ेंगे आलियान का केस, उसको इंसाफ दिलवाएंगे। हो सकता है तभी उसकी रूह को सुकून आ जाए। तुम जैसा चाहोगी, हम तुम्हारे साथ हैं। तो तेरा अम्मी, अब ये काम आपकी जिम्मे। ये सब कुछ छोड़ें, लेकिन जो कुछ भी है, हम सबको आलियान की ताजियत के लिए जाना चाहिए था। पता है, ये बहुत बुरी बात है अम्मी। हानिया ठीक कह रही है वैसे। मैं नहीं जाऊं। मगर क्यों? किस मुंह से जाऊं? मेरे पास तो अब अल्फाज भी नहीं है कहने के लिए, सिर्फ नफरत है। अल्फाज के लिए नफरत। नहीं बेटा, बुरी बात है। एक रिश्ता रहा है तुम्हारा उससे, उस घर से। तुम जाओगे, बल्कि हम सब चलेंगे, ताजियत करके आएंगे। मैंने कहा ना, तुम नहीं जाओगी। मुझे रोकेगा कौन? तुम? सिर्फ मैं। एक मुर्दा इंसान को तो बख्श दो, क्या बिगाड़ सकता है वो तुम्हारा? बिगाड़ तो वो उस वक्त भी नहीं सकता था मेरा कुछ, जब वो जिंदा था। अभी इतना बुरा वक्त नहीं आया मेरा। डरो, डरो उस वक्त से जब तुम मार दिए जाओगे। डरना क्या ना कि तुम्हें खबर नहीं हुई। अगर मारने वाले तुम्हारे हाथ हुए ना, तो ये याद रखना, अगर मैं बच गया तो इस बार तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। जानती हूं, इस बार खरीदी की गुंजाइश नहीं है। जो करूंगी सोच समझ कर करूंगी। एक बात याद रखना, मैंने अपना हुलिया बदला है, अपनी फितरत नहीं।